हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 18.5 पे और क्वेश्चन नंबर है 14। क्या कह रहा है? ए टैंक विथ रेक्टेंगुलर बेस एंड द रेक्टेंगुलर साइड्स। क्या कह रहा है कि एक टैंक है जिसका रेक्टेंगुलर बेस है और रेक्टेंगुलर साइड्स है, यानी कि वो क्यूबॉइड हो गया। ओपन एट द टॉप इज टू बी कंस्ट्रक्टेड सो दैट इट्स डेप्थ इज 2 मीटर एंड द वॉल्यूम इज 8 मीटर क्यूब। चलिए एक हम लोग एक क्यूबॉइड बना देते हैं। रेक्टेंगुलर बेस और रेक्टेंगुलर साइड है, यानी कि वो क्यूबॉइड है, तो मैं यहां पर एक क्यूबॉइड बना देता हूं। ठीक है, समझने के लिए, क्वेश्चन को समझने के लिए मैं यहां पर एक क्यूबॉइड बना देता हूं। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए। तो इसका रेक्टेंगुलर बेस है और रेक्टेंगुलर इसके साइड्स है, और ये ऊपर से एक ओपन है, खुला हुआ है, देख रहे हैं ना, ओपन एट द टॉप। ठीक है, अब इसका डेप्थ दिया है 2 मीटर डेप्थ दिया है और वॉल्यूम दे दिया है 8 मीटर क्यूब। अच्छा, आगे कह रहा है कि इफ बिल्डिंग ऑफ टैंक, अच्छा इसको बिल्ड करने में, टैंक को बिल्ड करने में कॉस्ट है 70 रुपीज पर स्क्वायर मीटर फॉर द बेस। बेस के लिए अलग कॉस्ट है, 70 रुपीज पर मीटर लग रहा है, एंड 45 रुपीज पर स्क्वायर मीटर ऑफ साइड। इसके साइड को बिल्ड करने के कॉस्ट है यहाँ पर 45 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, है ना जी। चलिए, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ लिस्ट एक्सपेंसिव टैंक। अच्छा देखिए, वॉल्यूम आपका 8 मीटर क्यूब चाहिए, 8 मीटर क्यूब चाहिए, लेकिन कम खर्च लगना चाहिए इस टैंक को बनाने में। इसका मतलब यह हुआ कि इसका एरिया जितना कम होगा उतना ही ज्यादा कम खर्च लगेगा, है ना। कम खर्च लगना है इसका मतलब क्या है, जितना कम एरिया होगा, वॉल्यूम 8 मीटर क्यूब हो जाना चाहिए, लेकिन एरिया जितना कम होगा उतना ही कम खर्चा लगेगा, यही ना होगा जी। तो चलिए अब इसको देखते हैं, ले लेते हैं कि लेट एल बी एंड एच बी द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, या डेप्थ भी लिख सकते हैं, एंड डेप्थ ऑफ द टैंक रेस्पेक्टिवली। ठीक है, चलिए हमने ये ले लिया, तो हमारे पास एच का वैल्यू दिया ही है, एच का वैल्यू दिया है 2 मीटर, डेप्थ दिया है ना जी, डेप्थ हमारे पास दिया हुआ है 2 मीटर। ठीक है, अच्छा हमारे पास वॉल्यूम भी दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ द टैंक कितना दिया हुआ है 8 मीटर क्यूब। अच्छा वॉल्यूम ऑफ टैंक की बात करें तो यहाँ एल इंटू बी इंटू एच ना हो जाएगा जी, इक्वल टू में 8 मीटर क्यूब, यानी कि एल इंटू बी और एच की जगह 2 मीटर रख देंगे, इक्वल टू में 8 मीटर क्यूब, यानी कि एल इंटू बी इक्वल टू में आ जाएगा 4 मीटर स्क्वायर। ये जाएगा डिवाइड में कट जाएगा, 4 मीटर स्क्वायर। तो एल इंटू बी क्या है, यहाँ एरिया ऑफ द बेस हो जाएगा कि नहीं, एरिया ऑफ द बेस ऑफ रेक्टेंगल, ये ना हो जाएगा जी, एरिया ऑफ द बेस ऑफ रेक्टेंगल 4 मीटर स्क्वायर, यानी कि बेस का एरिया फिक्स है 4 मीटर स्क्वायर, इसमें आप कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते, यानी कि एरिया ऑफ जो 4 वाला होगा उसी में ऐसा कुछ करना होगा ताकि इसका एरिया जो हो टोटल एरिया वो मिनिमम लगे, है ना, और मिनिमम होगा तभी मिनिमम कॉस्ट लगेगा। बेस का तो फिक्स हो गया कि 4 मीटर स्क्वायर एरिया है, ये फिक्स है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती, 4 वॉल में ही आपको जो भी करना होगा, है ना। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए यहां से हम लोग चाहें तो बी का वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं, 4 बाई में L एज ए इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं। अब चलिए चलते हैं एरिया ऑफ 4 वॉल्स। ठीक है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स क्या हो जाएगा, इसको ऐसे डिनोट कर देते हैं, क्या हो जाएगा एरिया ऑफ 4 वॉल्स, 2 इंटू में L प्लस B और इंटू में H, ये होता है फॉर्मूला, यही ना होता है जी। चलिए A इक्वल टू में 2, L की जगह L और B की जगह पे ले लेते हैं 4 बाई L और H की जगह पे आपका हो जाएगा 2, H आपका 2 दिया है ना जी, H दिया है 2 मीटर, इसलिए यहाँ पे ये रखते रहे, यानी कि एरिया इक्वल टू में आप लिख सकते हैं यहाँ पर कितना, 4 इंटू में L प्लस का 4 बाई L, यही ना। या फिर आप एक और काम कर सकते हैं, ये एरिया इक्वल टू में लिख सकते हैं 4L प्लस का 16 बाई में L। अब इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, लिखते हैं डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू L, L के रेस्पेक्ट में इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, DA/DL इक्वल टू में आ जाएगा यहाँ पर, इसका तो 4 और इसका माइनस का 16 बाई में L स्क्वायर। अब इसके बाद देखिए क्या करते हैं, देयरफोर
डी ए बाई में डी एल इक्वल टू में जीरो कर देंगे, यानी कि 4 माइनस का 16 बाई में एल स्क्वायर इक्वल टू में जीरो। इसको उधर लेते हैं, 4 इक्वल टू में 16 बाई में एल स्क्वायर, एल स्क्वायर इधर लेते हैं और 4 को इधर लेते हैं, 16 बाई 4, 4 टाइम्स में कट जाएगा। एल को एल के इक्वल टू में क्या हो जाएगा, प्लस माइनस रूट अंडर 4, यानी एल इक्वल टू में प्लस माइनस 2। तो निगेटिव में तो होगा नहीं, यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ नीचे लिख सकते हैं कि द लेंथ कैन नॉट बी निगेटिव, निगेटिव नहीं हो सकता है, कैन नॉट बी निगेटिव, यानी कि l इक्वल टू में यहाँ पे 2 हो जाएगा, प्लस का 2 मीटर l आ गया। अच्छा l आ गया, therefore b क्या हो जाएगा, तो b क्या था आपका l क्या था, 4 बाई l है ना जी, मीटर एक किस में था, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, ये ना था जी, मीटर स्क्वायर यहाँ लगा सकते हैं, अच्छा कोई यूनिट मत लगाओ यहाँ, अभी नेक्स्ट स्टेप में लिख देंगे। तो यहाँ से b इक्वल टू में हो जाएगा 4 बाई में 2 मीटर, कट जाएगा 2, यहाँ पे b भी क्या आ जाएगा, 2 मीटर आ जाएगा। अब इस पे चेक करना होगा हमें l इक्वल टू पे कि वहाँ जो आपके पास एरिया था वो मिनिमम हो रहा है कि नहीं। तो ऊपर आपका डी ए बाई में डी एल का वैल्यू कितना था, एरिया का डेरिवेटिव क्या आया था वहाँ पे, आपका ऊपर आया था, देख लेते हैं एक बार क्या आया था जी, 4 माइनस का 16 बाई में एल स्क्वायर, 4 माइनस का 16 बाई में एल स्क्वायर। चलिए अगेन डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, ठीक है, लिखते हैं अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एल, क्या हो जाएगा यहाँ, डी स्क्वायर ए बाई में डी एल स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ, ये तो जीरो है ना, और यहाँ प्लस का आ जाएगा 32 बाई में एल क्यूब, 32 बाई एल क्यूब हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए हमें क्या है, एल इक्वल टू 2 पे ना जी, चलिए एट एल इक्वल टू 2 पर क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर ए बाई में डी एल स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पे, एल इक्वल टू 2 पर क्या हो जाएगा, 32 बाई में 2 का क्यूब, 32 और बाई में 8, ठीक है 4 आ जाएगा, 4 जो है 0 से ग्रेटर है, तो 0 से ग्रेटर है इसका मतलब कि उस पर मैक्सिमम होगा, तो यहाँ सॉरी मिनिमम होगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि देयरफॉर द एरिया इज द मिनिमम व्हेन एल इक्वल टू में 2 मीटर, ठीक है, देयरफॉर एल का वैल्यू 2 था, बी का भी वैल्यू 2 था और एच का भी वैल्यू 2, तीनों 2-2 मीटर हो जाएगा, तीनों 2-2 मीटर हो जाएगा। कॉस्ट हमें निकालना है, तो अब चलिए देखते हैं, अलग अलग था कॉस्ट ऑफ द क्या बिल्ड करने में, बिल्डिंग द बेस को बिल्ड करने में, तो 70 रुपीज कॉस्ट लग रहा है 1 मीटर का, ठीक है, तो यहाँ पे 4 मीटर स्क्वायर था ना बेस, तो 4 × 70 280 रुपीज हो जाएगा, और फिर कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग द फोर वॉल्स का क्या हो जाएगा कॉस्ट, तो क्या था उसका 2 × l + b × h × आपका कितना था जी, 1 का 45 रुपीज था ना जी, 45 रुपीज था 1 मीटर स्क्वायर का, ठीक है, इसको देखते हैं क्या हो जाएगा। तो यहाँ 4 × 4 = 8 × 16 और इंटू में आपका हो जाएगा यहाँ पर 45 रुपीज, ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 720 रुपीज। तो यहाँ पर लिख सकते हैं टोटल कॉस्ट जो होगा क्या आ जाएगा, 280 रुपीज और फिर आपका ये 720 रुपीज, टोटल मिला के ये यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1000 रुपीज कॉस्ट लगेगा, है ना, यानी कि कॉस्ट टैंक को मेक करने में है ना, हैंस लिख सकते हैं कि द टोटल कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग द टैंक कितना हो जाएगा, 1000 रुपीज हो जाएगा, समझ गए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर, ये क्या कह रहा है कि ए विंडो इज इन द फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगुलर इज सरमाउंटेड बाई अ सेमी सर्कुलर ओपनिंग, अच्छा द टोटल पैरामीटर ऑफ द विंडो इज 10 मीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्ट ऑफ द विंडो टू बी
एडमिट मैक्सिमम लाइट थ्रू द होल ओपनिंग। अच्छा देखिए, हमें डायमेंशन निकालना है रेक्टेंगुलर वाले पार्ट का, तो डायमेंशन निकालना है ताकि मैक्सिमम लाइट है, तो जितना ज्यादा एरिया होगा उतना मैक्सिमम लाइट आएगा, जितना ज्यादा एरिया होगा उस विंडो का उतना ज्यादा लाइट आएगा ना अंदर, तो इसलिए हमें उसका डायमेंशन निकालने के लिए कह रहा। तो चलिए एक काम करते हैं कि हम लोग रेक्टेंगुलर विंडो ले लेते हैं, ठीक है ठीक है, रेक्टेंगुलर विंडो ले लेते हैं, और इसके ऊपर ये किस तरह का शेप है, तो इसके ऊपर जो है ना सरमाउंटेड है आपका क्या, यहाँ पर सरमाउंटेड है आपका इस तरह से एक सेमी सर्कल, ठीक है ना जी, एक सेमी सर्कल ऊपर ऐसे सरमाउंटेड है, ठीक है। ये सेमी सर्कल पूरी अच्छे तरीके से तो बना नहीं, सपोज कर लो कि ये सेमी सर्कल है, चलिए ठीक है, सेमी सर्कुलर ओपनिंग है। टोटल पेरीमीटर दिया है 10 मीटर, तो एक काम करते हैं कि इसका लेंथ लेते हैं एक्स, विड्थ ले लेते हैं वाई, ठीक है ना, और रेडियस ऑफ सेमी सर्कल क्या हो जाएगा, तो ये एक्स है तो ये टोटल एक्स होगा, तो ये हो जाएगा यहां से रेडियस एक्स बाई टू ना, है कि नहीं। तो आप ले लेते हैं कि लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर या रेक्टेंगल, ठीक है, या रेक्टेंगुलर विंडो या रेक्टेंगुलर पार्ट लिख देते हैं, रेक्टेंगुलर पार्ट ऑफ द विंडो बी एक्स एंड द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्ट ऑफ द विंडो बी वाई। तो यहां पर डायमीटर क्या, डायमीटर एक्स हो जाएगा इस सेमी सर्कल का, तो रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ सेमी सर्कल क्या हो जाएगा जी, तो रेडियस आर जो होगा वो एक्स बाई टू हो जाएगा क्योंकि ये डायमीटर होगा। चलिए अब इसके बाद टोटल पेरीमीटर दिया है, टोटल पेरीमीटर ऑफ विंडो कितना दिया हुआ है, 10 मीटर दिया हुआ है, 10 मीटर दिया है, मीटर 10 मीटर दिया है ना। चलिए तो टोटल 10 मीटर दिया है, तो इसमें देखिए ये वाई हो जाएगा, तो टोटल पेरीमीटर मतलब ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला हिस्सा, यानी कि x प्लस का 2y है ना, और प्लस का ये वाला, तो ये क्या है, कर्व सरफेस एरिया है, सरकमफेरेंस है सेमी सर्कल का, तो वो क्या होता है पाई इंटू में उसका रेडियस इक्वल टू में 10, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहां पर हम लिख सकते हैं 2y इक्वल टू में 10 माइनस का x माइनस का पाई x बाई टू है ना जी। चलिए यानी कि अब यहां से y इक्वल टू में हो जाएगा, उधर ले जाएंगे तो 1 बाई टू इंटू में 10 माइनस का, यहां से कॉमन कर लेते हैं x को, 1 प्लस का पाई बाई टू इंटू में x, ये y क्या वैल्यू हो गया, एज इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं। अब बात करते हैं एरिया ऑफ द विंडो की, तो जो विंडो है आपका उसका एरिया, तो पहले तो इस रेक्टेंगल का एरिया और प्लस में उस सेमी सर्कल का क्या होता है, तो सेमी सर्कल का एरिया होता है 1/2 पाई इंटू रेडियस उसका जो होगा उसका, तो रेडियस है एक्स बाई टू उसका स्क्वायर, ये ना हो जाएगा जी। चलिए तो एरिया इक्वल टू में एक्स वाई की जगह पे रख दे इंटू में 1/2 इंटू 10 माइनस का 1 प्लस का पाई बाई टू इंटू में एक्स, ठीक है, और प्लस का 1/2 पाई इंटू में एक्स स्क्वायर बाई 4, ठीक है। अब इसके बाद थोड़ा सा इसमें हम लोग आगे सॉल्व कर लेते हैं, देखिए इसमें क्या करते हैं, यहाँ a इक्वल टू में क्या लिख सकते हैं, इसको देखिए क्या करते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई कर ले, क्या यहाँ आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका 5x माइनस का 1/2 प्लस पाई बाई टू इंटू में एक्स स्क्वायर बाई टू, एक्स बाई टू इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस का
यहाँ पाई बाई एट एक्स स्क्वायर, ये ना होगा जी। चलिए अब इसे डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, डी ए बाई में डी एक्स का वैल्यू आ जाएगा फाइव, है ना, माइनस का यहाँ पर आ जाएगा वन प्लस का पाई बाई टू इंटू में एक्स, ऊपर एक्स स्क्वायर का टू एक्स होगा, टू से टू कट जाएगा, प्लस इसका टू एक्स होगा, ये कट जाएगा, तो आ जाएगा पाई बाई फोर एक्स। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं, देयरफॉर डी ए बाई डी एक्स इक्वल टू में कर देंगे जीरो, यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट वही एक्सट्रीम पॉइंट निकालने के लिए, तो फाइव माइनस का वन प्लस का पाई बाई टू एक्स प्लस का पाई बाई फोर एक्स इक्वल टू में जीरो, यहाँ से पाई, यहाँ से इन दोनों में से हम लोग एक्स कॉमन कर लेते हैं, ये फाइव है उसको उधर ले जाते हैं, है ना, तो इन दोनों में से एक्स कॉमन कर लेंगे, क्या बच जाएगा, यहाँ आ जाएगा माइनस का वन माइनस का पाई बाई टू प्लस का पाई बाई फोर इक्वल टू में माइनस का फाइव। चलिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं एक्स अंदर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसमें इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे माइनस वन, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का पाई बाई फोर इक्वल टू में माइनस का फाइव। ठीक है, तो ये माइनस इसमें से कॉमन हो जाएगा, माइनस में हट जाएगा, एक्स इक्वल टू में क्या आ जाएगा यहाँ पे फाइव बाई में वन प्लस का पाई बाई फोर। ठीक है, ये हो जाएगा, एक काम करते हैं यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है, तो एक्स इक्वल टू में क्या हो जाएगा फाइव बाई में नीचे फोर एलसीएम होगा, फोर प्लस का पाई, यानी आ जाएगा एक्स इक्वल टू में ट्वेंटी बाई में पाई प्लस का फोर, ये एक्स का वैल्यू हो गया। ठीक है, अब ये एक्स का वैल्यू हो गया, तो हम लोग ऊपर देख लेते हैं, हमारे पास डी ए बाई डी एक्स क्या आया था, वो कितना था डी ए बाई डी एक्स, तो आपका था फाइव माइनस का वन प्लस पाई बाई टू एक्स प्लस का पाई बाई फोर एक्स, ये ना था जी, फाइव माइनस का वन प्लस पाई बाई टू एक्स और प्लस का पाई बाई फोर एक्स। अब फिर से इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पे डी स्क्वायर ए बाई में डी एक्स स्क्वायर क्या होगा, तो जीरो, यहाँ माइनस का वन प्लस का पाई बाई टू एक्स का वन हो जाएगा और प्लस का पाई बाई फोर। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है, यहाँ माइनस का वन माइनस का पाई बाई टू और प्लस का पाई बाई फोर, यानी यहाँ से आ जाएगा माइनस वन माइनस का पाई बाई फोर जो कि जीरो से लेस देन है, निगेटिव में आ गया तो जीरो से लेस देन है ना जी। तो आप ये किसी पे भी चेक करोगे, एट एक्स इक्वल टू जो आपका आया था ट्वेंटी बाई में पाई प्लस फोर, उस पर चेक करके देख लो डी स्क्वायर ए बाई में डी एक्स स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो तो कॉन्सेंट ही है ना जी, ट्वेंटी बाई में पाई प्लस फोर, इस पर क्या हो जाएगा माइनस वन माइनस पाई बाई फोर ही आएगा जो कि जीरो से लेस देन है। तो यहाँ पे आप नीचे लिख सकते हैं ना जी, देयरफॉर एक्स इक्वल टू ट्वेंटी, यहाँ पे लिख सकते हैं कि एरिया, देयरफॉर एरिया विल बी मैक्सिमम एट एक्स इक्वल टू ट्वेंटी बाई पाई प्लस फोर, ये ना हो जाएगा। तो अब एक्स का ये हुआ, अब ऊपर हमारा वाई इक्वल टू में क्या था, वाई इक्वल टू में आपका था वन बाई टू इंटू में टेन माइनस का वन प्लस पाई बाई टू इंटू में एक्स, ये ना था जी। चलिए अब इसमें रख देते हैं तो क्या आता है, देखिए क्या आता है यहाँ पर, एक्स का वैल्यू रख देते हैं तो वाई इक्वल टू में हो जाएगा वन बाई टू इंटू में टेन माइनस का वन प्लस पाई बाई टू और इंटू में एक्स का वैल्यू जो है ट्वेंटी बाई में पाई प्लस फोर, ये ना है जी। चलिए अब यहाँ पे आगे इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पर y इक्वल टू में वन बाई टू ब्रैकेट में देखिए यहाँ पर एक एक साथ यहाँ पे टेन माइनस का अंदर यहाँ एलसीएम ले लेते हैं बाई में टू, टू प्लस का पाई इंटू में ट्वेंटी बाई में पाई प्लस फोर, इससे ये काट सकते हैं टेन टाइम्स में। अब अंदर एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम हो जाएगा पाई प्लस का फोर, तो टेन के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो टेन पाई और प्लस का हो जाएगा आपका कितना 40, माइनस का 20 और माइनस का हो जाएगा यहाँ पे 10 पाई, ये इससे कैंसिल, ये से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 बाई टू इंटू में 20 बाई में पाई प्लस का 4, ये इसे कट जाएगा 10 टाइम्स में, तो यहाँ से आ जाएगा आपका y का वैल्यू 10 बाई में पाई प्लस 4।
तो वाई का भी वैल्यू आ गया और एक्स का भी आ गया, तो अब नीचे लिख सकते हैं हम देयरफॉर यहाँ पे लेंथ ऑफ द क्या था जी रेक्टेंगल भी लिख सकते हैं या रेक्टेंगुलर पार्ट भी लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा आपका 20 बाई में पाई प्लस 4 मीटर, और ब्रेथ जो होगा वो क्या हो जाएगा 10 बाई में पाई प्लस 4 मीटर। समझ गए? चलिए तो एक काम करते हैं, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर आर डी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल्स के वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।